always change the amount of attention that you give her. हमेशा वो अमाउंट चेंज करते रहो, बढ़ाते रहो, घटाते रहो। एक बार लड़की पर बेहद ध्यान दो, फिर अचानक पूरे दिन बिजी हो जाओ, उसकी तरफ एक बार भी ध्यान मत दो। कभी दो दिन उसके साथ बातें बातें की, फिर तीसरे दिन अपना काम करो। देखो, एक बार तो लड़की को बहुत अटेंशन दो, फिर अटेंशन कम कर दो, अचानक उसकी तरफ बहुत ध्यान देने लगो, फिर अचानक उसकी तरफ ध्यान देना कम कर दो। तुम सारा दिन लड़की के दिमाग में छाए रहोगे, लड़की सोचेगी ये बंदा करता क्या है। अगर आप गौर करो तो मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में इसके बारे में बताया है, उसका नाम मैंने कुछ और दिया है, खैर थीम भी कुछ और था, लेकिन वो पूरा रिप्रेजेंट करती है। देखो, लड़कियां एक इमोशनल क्रिएचर होती है, अगर आप उनकी इमोशनल के साथ खेल सकते हो तो आप अपना आकर्षण बढ़ा सकते हो। लड़कियां चाहती है उनकी जिंदगी टीवी सीरियल्स की तरह कभी खुशी कभी गम, कभी ऊपर कभी नीचे, इन सब चीजों से भरी हो। जब उन्हें घबराने, बुरा सोचने, ड्रामेबाजी, पागलपन जैसी चीजें आपसे मिले तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। लड़कियों को टीवी सीरियल्स क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि वो टीवी सीरियल्स देखते देखते रोमांटिक फील करती है, कभी वो घबरा जाती है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, कभी अच्छा कभी बुरा, बैक टू बैक घर से निकल जाना, कभी गुंडे उठा ले गए, कभी मिलना कभी बिछड़ना। लड़कियों को चाहिए होता है एकदम से सब कुछ हो जाए, धड़ाधड़ फीलिंग चेंज, मूड चेंज, मूड चेंज। और अगर तुम एक टीवी सीरियल जैसे हो जो कभी खुश हो जाता है, कभी एकदम प्यार करने लग पड़ता है और कभी इग्नोर मारने लगता है, कभी कसमें खाते हो मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, फिर गायब हो जाते हो। अब मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है, 5 मिनट पहले सुबह तू मेरी कसमें खा रहा था कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, और तब से अभी तक तूने फोन भी नहीं किया। खैर, तुम्हें इस बात को संभालना आना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि ऐसा करने से वो नाराज हो जाएगी या तुम्हारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, उसके उल्टा तुम्हें कंटिन्यूसली अपना अटेंशन चेंज करते रहना चाहिए। अमाउंट ऑफ अटेंशन बढ़ाते रहो, घटाते रहो, अचानक रोमांटिक हो जाओ, गहरी भावनात्मक बातें करो, कस्में खाओ, कभी उससे रूडली बात नहीं करोगे, ना ही किसी लड़की के बारे में सोचोगे। आपसे ऐसा प्यार पाते ही लड़की के दिमाग में दूसरी डिमांड क्या होती है कि अगर ये मुझसे रूठ जाए तो, अगर ये मुझ पर चिल्लाए तो, अगर ये किसी और लड़की के पीछे भागे तो, फिर तो मैं फुट फुट कर रहूंगी। इंसान के पास कोई चीज अगर आती है तो उसके साथ उसे खो देने का डर भी आ जाता है। वो डर भी तुम अगर बीच बीच में दिखाते रहोगे तो लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। अब एक पीबॉय होता क्या है, एक प्लेयर। अगर तुम एक लवर हो, जब आते हो उसी गोद में पड़े रहते हो, वो जो कहे वो ठीक है, तुम ना हंसाते हो ना रुलाते हो, तो वो तुमसे बोर हो जाएगी और ज्यादा मसालेदार लड़का ढूंढना शुरू कर देगी।